बेगूसराय जिले से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बेखौफ बदमाशों ने नवनिर्वाचित मुखिया को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना नयागांव थाना क्षेत्र के सफापुर गांव की है। घायल की पहचान सफापुर निवासी हरेराम पासवान का पुत्र अमित पासवान के रूप में हुई है। घायल सफापुर के वर्तमान मुखिया बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुखिया अपने घर के पास टहल रहे थे, उसी दरमियान एक बाइक पर सवार तीन अपराधी आए और मुखिया को गोली मारते हुए मौके पर से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि उस जगह पर अपराधियों के द्वारा लगभग 10 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें 4 गोली घायल को लगी है। गोली की आवाज सुनते ही जब गाँव के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गया। वहीं परिजनों ने आनन फानन में घायल को शहर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां वह इलाजरत है। लिखा सफापुर में मुखिया जी अपने घर के पास खड़े थे, अपने नए वाले घर से पुराने घर पे जा रहे थे। उसी क्रम में एक बाइक पे तीन अज्ञात आदमी, इसको हम नहीं पहचाने, दो एक चला रहा था और दो बैठा हुआ था, जिसके हाथ में दोनों हाथ में पिस्टल था। वही पिस्टल से बिना कुछ कहे सुने अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया और मुखिया जी को ताबड़तोड़ गोली मारा। उसके बाद वहाँ से गोली चलाते हुए निकल गया, परिवार की ओर भाग गया। इस पंचायत के मुखिया है, कहाँ पे घटना हुआ है? सफापुर ग्राम के मुखिया हैं, नया ही मुखिया बने हैं, और अमित कुमार इनका नाम है, अमित कुमार पासवान। घटना कहाँ पे घटी है? घटना सफापुर में घटी है, वार्ड नंबर 4 में इनका नया वाला घर है, वहीं पे घटना घटी। घर पे ही आकर के अंजाम दिया? हाँ, घर पे ही आके अंजाम दिया। क्या पहले से कोई विवाद भी था किसी से? मुखिया जी को किसी से कोई विवाद नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं था। एकदम बेकसूर है, एकदम शरीफ आदमी है, इनके ऐसा शरीफ कोई नहीं है, शरीफ है, इसीलिए युवा सब इनको मुखिया बनाया। आपको क्या लगता है कौन लोग घटना को अंजाम दिया हुआ, क्या देखे हैं आप वहाँ के? बिजली कटा हुआ था, पूरे गाँव अंधेरा था, एक दो CCTV कैमरा लगा हुआ है, जिसका कि अब फुटेज प्रशासन लोग उसका निकालेंगे, तभी कुछ पता चल पाएगा, नहीं तो अंधेरा के कारण फायदा उठाकर वो लोग निकल गए। घटना स्थल से 10 कदम के दूरी पर थे हम, जैसे कि गोली चलने का आवाज़ आया, हम वहाँ पहुँचे, तब तक मुखिया जी को गोली लग चुका था। अपराधी कितना लगभग फायर किया होगा? गोली 10-12 गोली फायर किया हुआ। कितना इनके शरीर में लगा है? इनके शरीर में 4 गोली लगा है। क्या स्थिति है अभी उनकी? अभी इलाज चल रहा है। क्या नाम है आपका? दिलखुश कुमार।